नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, वो सभी प्रश्न हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप पूरा देखें, तथा नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, इस वीडियो में हाल ही में जो लोकसभा चुनाव 2019 चल रहे हैं, वह चुनाव कितने चरणों में संपन्न होगा, तो ये कौन सा लोकसभा चुनाव है, तब पहला लोकसभा चुनाव कब हुआ था, इससे संबंधित सभी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें, तो सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन चर्चा करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है लोकसभा चुनाव 2019 कितने चरणों में संपन्न हुआ है। तो लोकसभा चुनाव 2019 है वह दोस्तों टोटल 7 चरणों में संपन्न होगा। मतलब कितने चरणों में संपन्न होगा, 7 चरणों में। तो ये किस किस तारीख को चुनाव होंगे, तो ये दोस्तों अभी देखते हैं कि ये चुनाव जो होंगे वह दोस्तों 11, 18, 23 और 29 अप्रैल को, यानी 4 दिन अप्रैल में, था 6, 12 और 19 मई को ये लोकसभा चुनाव संपन्न होगा। दोस्तों, हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, तो हम ऐसे ही और अच्छे वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। यदि दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी नए वीडियो की सूचनाएं तुरंत आप तक पहुंच सके। तो हमारे वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो वह है मतदाताओं की रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है। तो मतदाताओं की दोस्तों रियल टाइम उपलब्धता जानने के लिए इस ऐप को लॉन्च किया गया है, उस ऐप का नाम क्या है, तो उस ऐप का नाम है दोस्तों वोटर टर्नआउट ऐप। तो इसका राइट आंसर हो गया वोटर टर्नआउट ऐप हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत कौन है। तो भारत की जो पहली ट्रांसजेंडर चुनाव राजदूत हैं वह हैं दोस्तों गौरी सावत। तो गौरी सावत इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो लोकसभा चुनाव से संबंधित जो अगला प्रश्न हमने बनाया है, तो वह है दोस्तों भारत में पहली बार लोकसभा चुनाव कब करवाया गया था। ये क्वेश्चन कर लेना आप, कब करवाया गया था। तो भारत में पहली बार जो लोकसभा चुनाव हुआ था वह दोस्तों 1951-52 में हुआ था। तो 1952 में जो पहली लोकतांत्रिक सरकार है उसका निर्माण हुआ था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही निम्न में से किस राज्य में विधानसभा चुनाव भी करवाया गया है। तो लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही दोस्तों 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। वो कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, तो वह है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा। तो ये ऑप्शन में उपरोक्त सभी होगा, इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। तो 3 राज्यों के नाम तो हमने आपको बता दिए हैं कि आंध्र प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, तो चौथा राज्य जिसमें विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, वह आप अपने नीचे कमेंट करके बताइए कि चौथा राज्य कौन सा है। मैं अभी आपको बता भी दे रहा हूँ। तो वो 4 राज्य हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो सिक्किम इसमें नहीं है, तो सिक्किम हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इन 4 राज्यों में जो लोकसभा के चुनाव हैं उसके साथ विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो लोकसभा में दोस्तों जो सीटों की अधिकतम संख्या है वो अभी दोस्तों 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में है 545, वर्तमान में है 552 अधिकतम हो सकती है। तो आप दोस्तों नीचे कमेंट करके बताइए लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, तो ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है कि निम्न में से सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य कौन सा है। तो निम्न में से कौन सा राज्य है, तो ऑप्शन है दोस्तों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गोवा। तो इन 4 में से जो भी राइट आंसर होगा वह आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं, तथा यह भी बताइए कि इन 4 राज्यों में कितनी कितनी लोकसभा सीटें हैं, तथा कौन से राज्य में सबसे अधिक लोकसभा सीटें हैं, तथा सबसे कम जो लोकसभा सीट हैं वह किस राज्य में है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए मतदान को सुलभ बनाने हेतु एनजारी पहल शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने की है, तो इसकी शुरुआत दोस्तों असम राज्य ने की है। तो ये दोस्तों दिव्यांगजनों को मतदान को सुलभ बनाने के लिए, यानी जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए जो व्हीकल होती है, जो विकलांग की जो चेयर होती है, उसको मतदान केंद्र में रखा गया, जिससे उनको मतदान करने में
तकलीफ ना हो। तो इसकी शुरुआत किसने राज्य ने की है, तो असम राज्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है तो वह है सना दुआ को। तो सना दुआ इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सी विजिल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो हाल ही में दोस्तों सी विजिल ऐप है यह लॉन्च किया है चुनाव आयोग ने, तो चुनाव आयोग इसका सही उत्तर हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पर हम जनरल साइंस से संबंधित, जनरल नॉलेज से संबंधित व पीछे की परीक्षा में आए सभी प्रश्न का वीडियो हम बनाकर डालते हैं, तो हमारे अन्य वीडियो भी आप जरूर देखें जिनका लिंक आपको दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने डिजिटल चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आई हेल्प पहल की शुरुआत की है, तो इसकी शुरुआत दोस्तों असम राज्य ने की है, तो असम इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वाटर पार्क कहाँ पर खोला गया है, तो देश का जो पहला वाटर पार्क है वह खोला गया गुरुग्राम या गुड़गांव में खोला गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया गुड़गांव या गुरुग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम ईवीएम का उपयोग किस राज्य में किया गया था, तो भारत में दोस्तों सर्वप्रथम जो ईवीएम का प्रयोग किया गया था वह केरल में किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो गया केरल। उसके बाद दोस्तों ईवीएम का प्रयोग बंद हो गया था, तब कुछ समय पश्चात पुनः जो ईवीएम की शुरुआत की गई वह किस राज्य में की गई वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बाद में बता भी दूंगा। अगला प्रश्न है, वह है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, तो किस संविधान संशोधन में की गई, तो यह दोस्तों 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान की उम्र है वह 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई, तो इसका राइट आंसर हो गया 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन कौन से साल में हुआ, कब हुआ, ये आप अभी नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का वर्णन है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है, तो जिसके तहत लोकसभा चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो निर्वाचन आयोग का गठन है वह दोस्तों 25 जनवरी 1950 को किया गया था, तो निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी को किया गया। तो आपको यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मतदान दिवस हर वर्ष भारत में कब मनाया जाता है, तो मतदान दिवस हर वर्ष भारत में दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वह हैं दोस्तों सुनील अरोड़ा, तो सुनील अरोड़ा इसके राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है दोस्तों, मतदान के दौरान उंगलियों पर निशान लगाने के लिए किस स्याही का प्रयोग किया जाता है, तो आपके यदि आपने मतदान किया है तो आपके उंगली पर भी एक नीला रंग का स्याही का निशान लगा होगा, तो वह किसका है दोस्तों, तो वह सिल्वर नाइट्रेट का है, तो इसका राइट आंसर हो गया सिल्वर नाइट्रेट हो गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की थीम क्या है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2019 की जो थीम है वह क्या थी दोस्तों, तो वह है नो वोटर्स टू बी लेफ्ट बिहाइंड, यानी कोई भी वोटर छूट न जाए, पीछे ना रह जाए, सभी को मतदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह दोस्तों 5 वर्षों का होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया 5 वर्ष। आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि जो राज्यसभा का कार्यकाल है वह राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, राज्यसभा है वह स्थायी सदन होती है या अस्थायी सदन होता है, ये भी आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे पता लग सके कि आप कितनी पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, एक तो जो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयुक्त होता है, तथा 2 होते हैं अन्य चुनाव आयुक्त या 2 चुनाव आयुक्त होते हैं, तो कुल 3 सदस्य निर्वाचन आयोग में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संपूर्ण चुनाव को ईवीएम से कराने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो संपूर्ण चुनाव को दोस्तों ईवीएम से करवाने वाला पहला राज्य है वह है गोवा। तो हमने आपको पहले ऊपर पूछा था कि जो केरल के बाद में जिस राज्य में ईवीएम का प्रयोग हुआ है वह कौन सा राज्य था, तो वह था गोवा, तो इसका राइट आंसर हो गया गोवा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तो ये गोवा में जो ईवीएम का प्रयोग हुआ वह कौन से
साल में हुआ, कौन से वर्ष में हुआ, ये भी आप अपने नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी नहीं है, यानी कौन सा पार्टी है वो नेशनल पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों सपा, यानी जो तीन पार्टी दे रखी है बसपा, कांग्रेस और भाजपा, ये राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है। इसके अलावा दोस्तों कुल राष्ट्रीय दल हैं वो सात हैं, तो चार इसमें छूट रहे हैं, तो वो चार दल कौन कौन से हैं वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए, जिसे हमें पता लग सके कि आपको पता है कि सात राष्ट्रीय दल हैं वह कौन कौन से हैं। तो चारों जो राष्ट्रीय दल हैं वो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो लोकसभा में दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा कुल दो सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं जो आंगल भारतीय समुदाय से होते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट करके ये भी बताइए कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मतदान करने की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है, तो मतदान करने की जो न्यूनतम आयु है वह दोस्तों 18 वर्ष निर्धारित की गई है। पहले ये 21 वर्ष थी, जो 61वें संविधान संशोधन के में इसको घटाकर 18 वर्ष से कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, यानी लोकसभा सदस्य का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु है तो वह होनी चाहिए दोस्तों 25 वर्ष। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है वह न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा चुनाव किस पद्धति से करवाया जाता है या कराया जाता है, तो जो लोकसभा का चुनाव है वह प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा का चुनाव है वह किस पद्धति के द्वारा होता है, यह आप हमें नीचे कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2019 में कौन सी लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है, तो 2019 में जो चुनाव हो रहा है वह दोस्तों 17वीं लोकसभा के लिए चुनाव हो रहा है। तो अभी तक भारत में 16 लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, तो 17वीं लोकसभा के लिए यह चुनाव हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है, तो मुख्य जो चुनाव आयुक्त होता है उसका कार्यकाल दोस्तों या तो होता है 6 वर्ष होता है, या उसकी 65 वर्ष के आयु हो जाने पर उसको हटा दिया जाता है, तो इसका राइट हो जाएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न देखते हैं, 2019 लोकसभा चुनाव का मतदान हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो 2019 जो लोकसभा चुनाव है उसका मतदान हेल्पलाइन नंबर क्या है, ये दोस्तों आपने प्रयोग किया है तो आपको पता होगा, मैं आपको बता देता हूं कि वह क्या है, तो वह है दोस्तों 1950। तो मतदान हेल्पलाइन नंबर क्या हो गया, 1950 मतदान हेल्पलाइन नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन, अस्थायी सदन, स्थायी सदन या ए व बी दोनों, तो इसका राइट आंसर हो गया ए व बी दोनों, यानी लोकसभा को निम्न सदन या अस्थायी सदन के नाम से भी जाना जाता है, तो स्थायी सदन के नाम से किस सदन को जाना जाता है, तो वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, लोकसभा का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो लोकसभा का जो वर्णन है वह दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो गया अनुच्छेद 81। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं, तो ये क्वेश्चन आप रिपीट हो गया है, मैंने ऊपर भी आपसे पूछा था कि सबसे अधिक लोकसभा की सीटें किस राज्य में है, यदि आपने अभी तक नीचे कमेंट में आंसर कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं आपको रिपीट कर देता हूं, तो इसका राइट आंसर हो गया है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कुल लोकसभा की दोस्तों कितनी सीटें हैं, 80 सीटें हैं, तो जो भारत में सर्वाधिक है यानी 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है, तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताइए कि किस राज्य में मात्र 1 सीटें हैं, तो किस राज्य में 2 सीटें है। नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो भारत की जो निर्वाचन पद्धति है वह दोस्तों ब्रिटेन की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है, तो इसका राइट आंसर हो गया ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे, यानी प्रथम जो लोकतांत्रिक चुनाव हुए थे वह कब हुए थे, तो ऊपर मैंने आपको ये क्वेश्चन में बताया था कि 1951-52 में हुए थे, तब 1952 में प्रथम जो लोकतांत्रिक सरकार है वह बनी थी, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया, तो मैंने आपको ऊपर पूछा था कि यह दोस्तों
61वें संविधान संशोधन के तहत किया गया है, उसका वर्ष मैंने आपसे पूछा था, आप यदि बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं बताया है तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। तो 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत दोस्तों मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष से कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ है? तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में 1998 से शुरू हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में दोस्तों राष्ट्रीय मतदान दिवस है, यह हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत किसने की, कब की दोस्तों, तो इसके बारे में देखते हैं। तो पहली बार जो राष्ट्रीय मतदान दिवस है यह 25 जनवरी 2011 को मनाया गया। तो इसकी शुरुआत दोस्तों भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हैं उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब की गई? तो निर्वाचन आयोग की स्थापना दोस्तों 1950 में की गई। तो हमारे जो 2019 का जो मतदान हेल्पलाइन नंबर है वह भी 1950 है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और सभी दोस्तों के साथ अपने जितने भी सभी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनमें सभी के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे सब तक यह जानकारी पहुंच पाए, यह वीडियो सब तक पहुंच पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन कितना होता है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है दोस्तों उसका वेतन होता है 2,50,000 रुपये, मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन होता है। आपको 3 सेकंड का समय है कि आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि जो दो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका वेतन कितना होता है। तो उनका वेतन दोस्तों होता है, वह होता है 2,25,000 रुपये। जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका वेतन होता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त का वेतन 2,50,000 रुपये प्रतिमा होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? तो भारतीय संविधान के दोस्तों किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के जो पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों जीवी मावलंकर। तो जीवी मावलंकर हैं वो भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। तो आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं कि भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो देश के जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वह सुकुमार सेन हैं। देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन। था वर्तमान में कौन है, नीचे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? अभी हमने आपसे पूछा, तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। तो यह दोस्तों वीएस रामा देवी है, यह भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी। तो इसका राइट आंसर हो गया वीएस रामा देवी। तो ये था दोस्तों लोकसभा चुनाव 2019 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहे थे सभी को हमने एक जगह करके आपको वीडियो बनाकर दे दिया है। तो आगे दोस्तों जैसे लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे उसके बाद भी हम लोकसभा चुनाव पर एक संपूर्ण वीडियो हम तैयार कर रहे हैं, तो चुनाव संपन्न होते ही हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का साइन बना हुआ है उस घंटे के निशान को भी जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचनाएँ तुरंत वीडियो डालते ही आपको मिल सकें।